ऐसे थोड़ा ना बरसात को उड़ीकते रहते हैं लोग, बस सभी सही समय पे आ जाए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है, जब नहीं चाहिए जब आती है और जब चाहिए तब आती नहीं। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे अपने। इसकी वजह है जो हमने अनुभव किया, आपको बोला था पिछली बार आए थे कि शास्त्र नाम श्याम स्नान जी दाता ने इस बॉडी से पता नहीं क्या काम लेना है, जो इतनी तपस्या करवाई उन्होंने, तो फीलिंग आती है, महसूस होता है। ऐसा तब होता है, मालिक ऐसा करे ना, मालिक से दुआ है सतगुरु मौला से, ये परिवर्तन तब आते हैं जब परले की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है। बड़ी दुखद बात है, जनसंख्या का विस्फोट होने को तैयार है, इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी होती जा रही है, पूछो मत। पानी धरती में नीचे गायब होता जा रहा है, कैंसर, बड़ी भयानक बीमारियां कई एरिया में छाती जा रही हैं। और आप सब जानते हैं, हम आपको कल भी बोला था कि भाई हम शायद 90 से क्या उससे पहले से लगे हुए हैं, 1948 से मान लीजिए आप, हम लगे हुए हैं कि भाई ये नशा जो है ये घात कह रहे। और फिर 90 के 92 93 के बाद तो हम साफ ही आपको कहने लग गए थे कि ये इनडायरेक्टली युद्ध छिड़ गया है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा करने के लिए ये नशा शुरू कर दिया गया है। तो आज क्या मैदानी इलाका और क्या आसमानी इलाका और क्या समुन्द्र के किनारे, सब जगह नशे ने पांव पसारे और बुरा हाल हो रहा है। समाज में ज्यादातर लोग इससे दुखी हैं, लोग मर रहे हैं नशा कर करके, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है, आदत पड़ जाती है बंदे को और फिर वो बर्बाद होता चला जाता है। और ये मरता बड़ा जल्दी है इंसान से। कई कहते नहीं, भगवान ने जो उम्र लिख दी, उम्र नहीं लिखी, उतने श्वास लिखे हैं, लिखे तेरे श्वास गिरास। तो नशे से एक मिनट में 16-18 लेने की जगह 30-32 ले लेते हो और 100 साल की उम्र की जगह 50 में बेड़ा पार हो जाता है, 75 वाले 70 वाले का 35 में पार हो जाता है, 50 वाले का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास है कि मालिक तू रोके तो रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा, हट ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा। मां बाप रोकते हैं तो खुदकुशी की डरावा देता है, मां बाप रोकते हैं तो भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं कि ये क्यों रोकते हैं मुझे नशा करने से। तो समाज में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं और उसी का एक ये अंग है, आप महसूस करके देख लो। बरसात बिना मौसम के हो रही है, मौसम जो पहले नहीं होता था वो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, कोयला, डीजल, पेट्रोल कब तक चलेगा, फिर क्या करोगे। आदि तो हो गए, अब लाइटों के भी आदि हैं, पंखों के भी आदि हैं, सारी चीजें, एसियों के भी लोग आदि हैं, बहुत सारी चीज है। पर जब ये चीजें खत्म होगी जिनसे ये बनता तो कैसे चलेगा काम। पुरातन समय में सौर ऊर्जा, बिजली की ही रोशनी से ही सब कुछ लिया जाता था और प्रदूषण भी नहीं फैलता उसे, हमारे ख्याल से, बाकी तो साइंटिस्ट बता सकते हैं। सौर ऊर्जा से हमें नहीं लगता कि कोई पोल्यूशन होता होगा या कोई प्रदूषण फैलता होगा, नहीं फैलता, कुछ बच्चे याद कर रहे हैं। सो कहने का मतलब, तो हमें कैसे पता है कि ये चीज होगी, फीलिंग आ रही है, वो महसूस हो रहा है कि कहीं साइकिल ही फिर सबसे बढ़िया सवारी ना हो जाए, कहीं तत्ता तत्ता फिर से ना होने लग जाए। पंजाब वाले हो और इधर वाले भाई झोटा बुगी वाले हो, राजस्थान ऊंट गाड़ी वालों, कहने का मतलब जब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, तो फिर ऊंट की पूंछी मरोड़ोगे, वो चमड़े वाली छांट चलोए, नारिया फलान्या तिंकड़िया। सो कहने का मतलब, फिर कहीं साइकिल की सवारी अच्छी ना लगने लग जाए। वैसे नंबर वन है साइकिल चलाना,
सेहत की सेहत बनती है और यहां जाना वहां भी पहुंच जाते हो। बुरा ना मनाना, हम तो आप गाड़ी में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सफर करने से जेब भी खाली होती है और सेहत भी खाली होती है। जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा भी, जब तक चल रही गाड़ियां कौन हटता है। पुराने समय में लोग कहते हैं जी कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा आज वाले ने? कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखे ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, थे तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते हैं, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां से